यार मेरे को अब ये समस्या हो गई कि मैं क्या खाऊँ पहले, कि अंकल का नेचर इतना अच्छा है कि अपने को दो चीज़ें ला के दी इन्होंने, खमंड एकदम बढ़िया से बना के, और ये क्या है मेरे को आम पाक। पहले खमंड टेस्ट करते हैं। ठीक। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौरी चटोरे। तो यार भी आज एक नया व्लॉग से आपके सामने कुछ आ चुके थे। चिकू भाई, आज अपन कहाँ चल रहे हैं? आज हम लोग एक छोटी सी ड्राइव पे निकले हैं और ड्राइव पे जा रहे हैं। तो कहाँ जा रहे हैं हम लोग? जा रहे हैं बेटमा के समोसे खाने, और उसके पहले जा रहे हैं बेटमा साहिब गुरुद्वारा। यार बिल्कुल, बहुत टाइम हो गया था, कहीं बाहर नहीं निकले थे और एकदम से प्लान बना कि यार चलो चिकू भाई बेटमा चलते हैं। तो अब जल्दी से चलते हैं बेटमा, समोसे भी दिखाएंगे, गुरुद्वारे के दर्शन भी करेंगे। बिना स्किप करे देखना, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। तो यार वैसे तो चिकू भैया कई बार बोले थे मेरे को बेटमा चलने का, पर ऐसा कभी प्लान हो नहीं पाया। आज प्लान हुआ है और सुना है, मतलब मैंने खाए भी पर्सनली एक हाथ बार, और चिकू भैया तो कितनी बार खा चुका है? मैं तो बहुत बार खाया, क्योंकि मेरा आना जाना मतलब धार साइड लगा रहता है। और हम लोग जब धार गए थे तब भी हमारा ऐसा प्लान था कि हम लोग बेटमा होते हुए जाएंगे, बट कुछ रीजंस की वजह से नहीं जा पाए थे। बट मतलब चलो अब मौका मिला तो अब चलते। बिल्कुल, अब चलते हैं। बढ़िया मौसम हो रहा है, एकदम बारिश वाला। आगे हम देख सकते हैं, मतलब जैसे जो बड़े बड़े ऐसे माउंटेन्स होते हैं उसके ऊपर ऐसे ढक जाते हैं ना बादलों से, वैसा माहौल हो रहा है पूरा। तो जल्दी से बेटमा चलेंगे, फिर आपको एकदम अच्छे समोसे दिखाएंगे सेव चटनी के साथ। तो भाई साहब, आप अपनी डेस्टिनी पे आ गए हैं अपन, अरुण उपहार ग्रह पे, जहाँ मिलते हैं सबसे अच्छे बेटमा के समोसे, ऐसा चिकू भैया का कहना है। बिल्कुल। तो यार भैया, ये है अरुण उपहार ग्रह। एड्रेस एक बार आपको जल्दी से बता दो। जो इंदौर धार रोड है उसमें जो बेटमा कट निकलता है उससे आप सीधे आएंगे तो 1-1.5 किलोमीटर आगे एक स्क्वायर आता है, ये जो आप सामने देख सकते हैं, बस इससे सामने ही लगा हुआ है अरुण उपहार ग्रह। तो अब जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कैसा है टेस्ट। तो यार देखो, मेरे हाथ में ना बढ़िया सा एकदम बेटमा का जो फेमस समोसा रहता है वो आ चुका है, और इतना गर्म है कि ये एक पेपर है उसमें भी गर्म लग रहा है मेरे को। जल्दी से मास्क निकालता हूँ मैं, तो टेस्ट करके देखते हैं। तो यार समोसे की ना एक बेस्ट बात पता है मुझे क्या लगती है, जब अपन इसको ऐसा करके ओपन करते हैं और ये पार्ट खाते हैं मैदे का, तो बहुत अच्छा लगता है। बट अपन ये चीज़ तो ठीक है, मेन आलू की जो स्टफिंग है उसका टेस्ट मैटर करता है। वो बताओ कैसा चीज़ हो गया? ओहो यार बहुत गर्म है ये समोसा। थोड़ा सा मुझे धनिया नहीं पसंद तो इग्नोर करना। टेस्ट यहाँ पे तुम जब से खा रहे हो उससे चेंज ऐसा कुछ हुआ कि सेम टेस्ट मिलता है? 20 साल पहले भी वही था और अभी भी वही टेस्ट है, एकदम खट्टा मीठा टेस्ट रहता है समोसे का। बहुत अच्छा टेस्ट है, ट्राई करना बनता है। अगर आप यहाँ से निकल रहे हो तो स्पेशली यहाँ से निकलना है, इसी रूट से निकलना है, क्योंकि बाहर से बाईपास हो चुका है ये रूट। यहाँ से निकलना है, अभी समोसा खाना और अब देखते हो और क्या खाना है। मगर ना एक अलग तरीके से समोसा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं इसके अंदर, सेव डालते हैं, चटनी डालते हैं, दही डालते हैं, वो मिक्को भी आकर टेस्ट करेंगे। बाकी ये तो मैं पूरा निपटाता हूँ। तो भैया ये बन रहा है अपना एकदम स्पेशल समोसा, हरी चटनी डालना, हरी चटनी सेव जो भी डाल दो सब डाल दो। ये भी डाल, हरी चटनी डाल बेटा, ये भी डाल। वाह, यहाँ का सादा समोसा तो है लाजवाब, बट अभी जो मिक्कू भैया को बढ़िया सब बना के मिला है ना, उसमें दही है, लाल चटनी है, हरी चटनी है, सेव है, बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया। बेटमा साहिब के दर्शन हो गए, बहुत अच्छा यहाँ पे नाश्ता कर रहे हैं। तो एकदम ऐसा जो बोलते हैं ना, प्रोडक्टिव करना चाहिए सुबह सुबह उठ के कुछ, तो आज हमने पूरा 100% प्रोडक्टिव करा है और समोसा खा के उसके ऊपर 4 चांद लगने वाले। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है यार। मतलब यहाँ पे सिर्फ समोसा ही नहीं, कचौरी भी मिलती गरम गरम। यह टेस्ट बहुत अच्छा है। हाँ। और जैसे इतनी सारी चीजें डाली, उसका टेस्ट अपने आप बैलेंस हो गया। जो नॉर्मल समोसा था, हाँ, वो थोड़ा सा ज्यादा खट्टा था, जब सब डाल गया तो उसका टेस्ट एक अच्छा बैलेंस टेस्ट हो गया। उसमें लाल चटनी भी है, हरी चटनी भी है। अच्छा, और चिकू भाई तुम कह रहे थे इंदौर में भी कोई एक जगह है जहाँ ऐसा? इंदौर में भी एक जगह है, उसका भी ब्लॉग करेंगे, पर अभी मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा। ठीक है। तो यार इसका ओवरऑल अगर मैं रेटिंग की बात करूँ, हाँ, समोसे को मैं दूंगा 5 में से 4। मतलब इंदौर में बहुत सी जगह से अच्छे समोसे यहाँ मिल रहे हैं। मतलब एक ऐसी चीज बोल सकते हैं कि अगर आप इंदौर से यहाँ पर आके खाओगे तो आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि इतनी दूर आए यहाँ के समोसा खाना। और चिकू भाई एकदम ऐसे समोसे से तो पेट भरेगा नहीं, थोड़े से पोहे भी खा लेते हैं। पोहे तो ठीक है, वो अंकल जी ने ना हमारे लिए खमण भी अलग से निकाल के रखे। वाह यार, मेरे को अब ये समस्या हो गई कि मैं क्या खाऊं पहले, कि अंकल का नेचर इतना अच्छा है कि अपने को 2 चीज़ें ला के दी इन्होंने, खमण एकदम बढ़िया से बना के, और ये क्या है मेरे को आम पाक। पहले खमण टेस्ट करते हैं। ठीक है, और यार खमण के अंदर भी है ना सारी चटनियाँ डाली हुई है। हाँ, बहुत अच्छा दिख रहा है वो, दिखने में एकदम बढ़िया सा। टेस्ट करो जल्दी से। गरम गरम खमण। वाह यार, मतलब ऐसा लग रहा है कि अभी जस्ट बन के आया है, और टेस्ट अच्छा है इसका। जो मखमलीपन रहता है ना खमण के अंदर, वो है यहाँ पर। और ये खमण मैंने जितने भी इंदौर में खमण खाए ना, उससे मुझे अच्छा लगा है। अच्छा, मुझे अच्छा लगा है। तो जल्दी से थोड़ा सा आम पाक भी टेस्ट कर लो, वो पीछे तुम्हारे इंतजार में बैठा हुआ है। आम पाक भी पर्सनली मुझे आम बहुत ज्यादा पसंद है, ये आम पाक भी पसंद आएगा जी। आम पाक है बिल्कुल फर्स्ट क्लास, एक नंबर, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है एकदम। चिकू भाई टेस्ट कर लो जल्दी से, कैसे दिख रहा है? दादा अपनी दुकान कब से? आप 45 साल हो गए यार। मतलब हमने बहुत सुना था आपके समोसे बहुत अच्छे हैं, इसने खाए भी थे एक आध बार पहले, तो मेरे को लगा कि यार आके इंदौर के जितने लोग हमको देख रहे हैं, बहुत बार खाए। हाँ, तो जितने लोग हमको देख रहे हैं, हम उनको बता रहे हैं कि आज हम बेटमा में आके आपकी दुकान पे समोसा खा रहे हैं जी। धन्यवाद आपका, बहुत बढ़िया टेस्ट लगा हमको आपके यहाँ का। जी 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 बिल्कुल। आम पाक कैसा लगा आपको? आम पाक कैसा? बहुत अच्छा है। मतलब आम पाक पर्सनली भी पापा कभी कभी लाते हैं खाने के लिए, तो मैं तब भी खाता हूँ, बट ये इतना फ्रेश आम पाक है कि ऐसा लग रहा है कि जस्ट अभी बन के आया है। देखो, एक बार तुम भी टेस्ट करना है इसको। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत जोर का बनता है। तो यार भैया समोसे बहुत बढ़िया थे, आम पाक बहुत बढ़िया। सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए आप व्यूअर्स को। मेरा नाम है तरुण झाखेटिया। तो तरुण जी कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास। तो ये अपनी दुकान कब से, ऐसे दादा ने बताया हमको 45 साल से है। तो 45 साल से ये जो समोसे हैं और ये जो कचौरी इतनी बढ़िया बढ़िया, ये 45 साल से आप सर्व कर रहे हैं? हाँ। अरे वाह। तो ये जो अपना एकदम थोड़ा सा अपने समोसे की स्पेशलिटी जो मेरे को लगी, थोड़ा सा खट्टा मीठा समोसा है थोड़ा सा, तो वो भी अपन 45 साल से ही सर्व कर रहे हैं। 45 साल से ही कर रहे हैं। अरे वाह यार। अच्छा, तो एक बार अपनी शॉप का टाइमिंग बता दीजिए, और जितने लोग आपको देख रहे हैं अभी उन लोग के लिए आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि एक बार अरुण उपहार गृह पे क्यों आए? हमारी होटल का टाइम है सुबह 6 से शाम को 8 बजे तक। ठीक है। समोसा सुबह 7:30 से 7:30 तक मिलता है शाम को, और एक बार बेटमा आके समोसा टेस्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है यार। तो एक बार बेटमा आना बनता है, और एक बढ़िया सा एक प्लेट, अब इतनी दूर आए हैं और पोहे नहीं खाएं तो अच्छा नहीं लगेगा, तो एक बढ़िया पोहे भी लगा दो एक प्लेट। थैंक यू। बस ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, बस ये अपना 5वां आइटम है। मेरे को पोहे हैं ये तो इसको टेस्ट कर रहा है। इसमें आपने बनते हुए देखा होगा। हाँ। बढ़िया सा मस्त नींबू निचोड़ के दे दिया। हाँ। था। अब यहाँ पे थोड़ा सा नींबू मेरे को पोहे पे पसंद नहीं है। अब आप बोलोगे भैया ये कैसा इंदौरी है, तो पर यार खैर ठीक है, पर नींबू ना जीरा वर्ण नहीं खाते यार मेरे को। यार नहीं, अब थोड़ा सा आप डाला है तो खा के टेस्ट भी करेंगे। ये टेस्ट बहुत अच्छा है यार। मेरे को खा रहा है, तब तक मैं एक बार और बता देता हूँ। ये जो आपको स्क्वायर मिलेगा ना, स्क्वायर के जस्ट आगे आपको आना है, और यहाँ मिलेगा आपको अरुण उपहार गृह। चिकू भैया। हाँ मेरे को सही में बहुत अच्छे हैं एकदम। जैसे एक जो वो होता है ना डिस्टिंग्विश, घर के पोहे अलग होते हैं, मार्केट के पोहे अलग होते हैं। ये पूरे एकदम मार्केट वाले पोहे हैं, और धनिया इसमें बहुत सारा डाला है। आपको इसमें सेवन उक्ति मिलेगी, जीरावन बहुत अच्छा डाला है। ओवरऑल अगर यहाँ आ रहे हो तो खमन, आम पाक, समोसा, पोहे और कचौरी और जितनी चीज़ें मिलती है ना, सब खा के टेस्ट कर लेना। ऑन द गो वाली प्लेस है, मज़ा आएगा। एक छोटी सी चीज़, इंदौर के पोहे और बेटमा के पोहे में कुछ डिफरेंस है कि सेम लग रहे हैं? अलग अलग पोहे हर, देखो पोहे हर शॉप पे वेरी करते हैं। यहाँ का अपना अलग टेस्ट है, इसलिए कोई कंपेरिजन नहीं करूँगा, बट हाँ बीइंग ए इंदौरी अच्छा पोहा है। तो यार गाइस, ये था वीडियो अरुण उपहार गृह बेटमा का, जहाँ पर हमने खाया बहुत सारे अच्छे आइटम्स और सेटिस्फेक्शन मिल गया। और एक चीज़ और, अभी हमारी है ना चाय भी आ रही है। बिल्कुल यार, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट है। बिल्कुल पोहे में एकदम बढ़िया मस्त उन्हें नींबू निचोड़ के दिया भैया ने, मैंने खाया। समोसा अच्छा है, अपना खमन बहुत बढ़िया है, आम पाक चिवया को बहुत पसंद है, आम पाक लगा मेरे को अभी तक। तो यार ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। हम लोग सुबह उठ के आए, गुरुद्वारे के दर्शन हो गए, यहाँ खा लिया, और क्या चाहिए यार, वापस घर जाएंगे। तो आज की वीडियो को इसी नोट पर एंड करेंगे। बिल्कुल, तब तक वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कुछ कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। ये मिक्कुर है ना, मेरा नाम रखा है क्या? चिकुद्दीन।